हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AM हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और हेयर कट की वीडियो, वी हेयर कट। तो आइए पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वी हेयर कट के बारे में आपको A to Z प्रॉपर नॉलेज आपको दी जाएगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, वी हेयर कट, वी नाम से ही समझ में आता है इस हेयर कट का शेप कैसा होने वाला है और कैसा हेयर कट के बाद दिखने वाला है। तो वी हेयर कट में हमारे जो सेक्शन रहने वाले हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्शन निकालेंगे, दोनों सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल प्रोफाइल। तो दोनों सेक्शन रहने वाले हैं और सब सेक्शन, दोनों सेक्शन निकालने के बाद में जो कटिंग के लिए हम सेक्शन यूज करेंगे उसमें सब सेक्शन रहने वाले हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि हमारे पड़े हुए सेक्शन, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। और भी डिग्री रहने वाली है इसमें, जीरो जीरो डिग्री रहने वाली है। और गाइडलाइन रहने वाली है स्टेशनरी। देखिए, इसमें गाइडलाइन मूव नहीं करती, एक ही जगह स्टे रहती है, स्टॉप रहती है। तो इसको स्टॉप गाइडलाइन भी बोल सकते हैं आप, स्टेशनरी गाइडलाइन भी बोल सकते हैं। तो ये आइए मैं आपको इस पर बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारी सेंटर प्रोफाइल निकल गई एंड ये रेडियल। तो इसमें हमारी सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल, सेंटर एंड रेडियल, दोनों गाइडलाइन, दोनों सेक्शन निकल गए हमारे, सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल प्राइमरी सेक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी लेंथ है ये, कोई भी हेयर कट करने से पहले हम वन लेंथ कर लेंगे। तो ये हमारे समझ लो वन लेंथ होए हुए वाले हैं, हमने वन लेंथ इनको पहले कर लिया है। तो वन लेंथ करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे राइट से और एक लेफ्ट से, दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए। अब हमने क्या किया है, जब हमारे ये वाले बाल थे, इनको जो हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन है, दोनों में से कोई भी सेक्शन ले सकते हैं आप, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी, कोई सा भी पहले ले सकते हैं। तो हम इनको क्लाइंट के शोल्डर पे लेके जाएंगे, तो इसको हम कट कर देंगे। वैसे ही हम इस वाले सेक्शन को भी लेके जाएंगे और इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारी गाइडलाइन क्रिएट हो गई है, हमने दोनों वालों को चेक कर लेना है, दोनों साइड की लेंथ को यहाँ पे लाके चेक कर लेना है कि किस साइड के बाल बड़े तो नहीं। जब हमारी गाइडलाइन बन जाएगी तो फिर हम एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, इसको भी यहीं लाएंगे, गाइडलाइन देखिए कट कर देंगे। फिर एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लाएंगे, इसको भी यहाँ पे गाइडलाइन देखिए कट कर देंगे। तो वैसे इस साइड से भी सेम गाइडलाइन देखिए कट कर दिया, फिर इसको भी ऐसे लाएंगे, गाइडलाइन देखिए यहाँ तक आएगा, फिर कट कर देंगे। तो जहाँ तक हमें गाइडलाइन दिखेगी हम कट कर देंगे। फिर बचे हमारे फ्रंट के बाल में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो इन सभी वालों को भी हम पीछे लेके जाएंगे, यहीं पे गाइडलाइन दिखेगी कट कर देंगे। इन सभी वालों को भी पीछे लेके जाएंगे यहाँ पे, और जहाँ पे गाइडलाइन दिखेगी कट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल हेयर कट है और बेसिक हेयर कट है ये, मोस्टली सभी हेयर स्टाइलिस्ट को ये हेयर कट आते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो यूट्यूब से देख देख के, कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी के सर वी हेयर कट की वीडियो आप डालिए, क्योंकि मैंने अभी यू हेयर कट की वीडियो डाली थी, वी हेयर कट की वीडियो नहीं डाली थी। देखिए, दो हेयर कट होते हैं वी में, एक नॉर्मल वी एक डीप वी। तो ये नॉर्मल वी है, अगर आपको इसी को डीप करना है तो आपने क्या करना है, सेक्शन को और आगे लेके जाना है, शोल्डर पे लाना है, ये पे शोल्डर पे और आगे ले आना है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो वी है और डीप हो जाएगी, तो जो आपका हेयर कट का शेप आने वाला है, ये शेप आने वाला हेयर कट का, अगर आप और डीप कर लेंगे तो आपका शेप और डीप हो जाएगा। समझ में आया, डीप वी के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे सेक्शन है शोल्डर पे इनको थोड़ा सा और ऊपर कर लेना है, यानी कि हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, इनको ऐसे कट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, तो क्या होगा, डीप वी हो जाएगा। जब हम इनको छोड़ेंगे, बाल हम बैक ला के छोड़ेंगे, तो ये वाला जो शेप है ये शेप आ जाएगा। तो ये तो थी थ्योरी, आई होप आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट।
तो ये हमारी मॉडल है, इसकी लेंथ पूरी लेंथ है, जो डीप जो हेयर कट के वी हेयर कट के लिए लेंथ चाहिए होती है, क्योंकि जो वी हेयर कट है वो शॉर्ट बालों के लिए नहीं है, लॉन्ग बालों के लिए है, मीडियम टू लॉन्ग। शॉर्ट हेयर कट में हम वी करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, ना शेप आती है अच्छी, तो इसलिए हमने क्या किया है, हमारे फुल लेंथ की डमी ली है हमारी और उसको हेयर कट करेंगे अब हम। तो हमने डमी ले ली है, हम सबसे पहले करेंगे वन लेंथ। तुमने वन लेंथ कर ली है, गाइडलाइन के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, बाकी बालों को ऊपर क्लिप कर देंगे और इधर से भी हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। बाकी बालों को क्लिप कर देंगे। अब हमारे पास है नेप एरिया पे एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो हमने क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है उसको लेके जाना है क्लाइंट के शोल्डर पे। शोल्डर पे लेके गए, गाइडलाइन हमें दिखी, आई होप आपको दिख रही होगी, देन कट कर दी। फिर हम गाइडलाइन हमारी इधर ही बन गई है, हम राइट साइड वाले सेक्शन को भी लेके जाएंगे क्लाइंट के शोल्डर पे। हमें इधर भी गाइडलाइन दिखी, देन कट इट। अब हम दोनों साइड के बालों को चेक करेंगे कि हमारी गाइडलाइन परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए गाइडलाइन छोटी बड़ी हो रही है, यानी कि एक साइड के बाल छोटे और एक साइड के बड़े हैं। हमने गाइडलाइन में ही डिसाइड कर लेना है कि हमारा हेयर कट सही होना है या गलत होना। अगर हमारी गाइडलाइन ठीक है तो कभी भी हमारा हेयर कट गलत नहीं होगा, इसीलिए हमने दोबारा चेक करना है इधर से। चेक करेंगे हम, तो हमारी गाइडलाइन लगभग एकदम परफेक्ट है। तब हमारे पास गाइडलाइन बन गई है, तो हम क्या करेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल पतला सा सेक्शन लेंगे। देखिए आप जितने पतले सेक्शन पे काम करेंगे उतना फाइन हेयर कट होगा और उतना ही अच्छे से हेयर कट होगा और इजी होगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े सेक्शन पे हेयर कट कर दो तो आप जल्दी कर लोगे, जल्दी करने से बेटर होता है कि आप अच्छे से करो। जब आप सीख जाएंगे, आप मास्टर हो जाओगे हेयर कट करने में, तो आप खुद जल्दी करने लगोगे। गाइडलाइन देखिए हमें, देन क्या हो रहा है डम्मी में, डम्मी की जो लेंथ होती है पूरे बालों की वो इक्वल होती है जब हम न्यू डम्मी लेते हैं। अगर यहाँ के बालों की लेंथ 30 इंच है तो यहाँ के बालों की लेंथ भी 30 इंच है,
तो हमने अराउंड 3 से 4 इंच बाल काटे थे वन लेंथ करने के लिए, इसलिए ये जो टॉप के बाल हैं वो लेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नेप एरिया से टॉप एरिया का गैप ही हमारा 8 से 9 इंच का हो गया, और हमने लेंथ कितनी काटी थी 4 से 6 इंच काटी थी, तो इसलिए जो टॉप के बाल हैं वो इसके अकॉर्डिंग छोटे हैं वी शेप के लिए। लेकिन क्लाइंट का ऐसा नहीं होता है, क्लाइंट से अगर वी शेप कराते हैं तो उनके यहाँ की लेंथ भी लंबी होती है, इसीलिए हम अभी हेयर कट कर रहे हैं तो जो टॉप के बाल हैं वो कट के लिए नहीं आ रहे हैं, बहुत थोड़े से आ रहे हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम आएंगे राइट साइड में। गाइडलाइन देखिए, देन हम क्या करेंगे, हमारे जो साइड्स के बाल हैं उनको भी वर्टिकल सेक्शन लेंगे यहाँ से पीछे ले जाने के लिए, और कट कर देंगे। फिर बचे हुए बालों को भी लेंगे और गाइडलाइन दिखेगी, देन कट कर देंगे। तो ये देखिए वी हेयर कट कंप्लीट हो गया है, ये वी हेयर कट है, डीप वी नहीं है। अगर आपको इसको डीप करना है तो इसकी जो स्ट्राइड की लेंथ है और शॉर्ट हो जाएगी, ये डीप हो जाएगा, ये अभी वी है फिर डीप वी हो जाएगा। तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा वी हेयर कट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है। पहले आपको इसको थ्योरी बताई है, फिर प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है। तो इससे पहले मेरी और भी काफ़ी हेयर कट की वीडियो पड़ी है, यू हेयर कट की पड़ी है, लेयर्स, ग्रेजुएशन, लॉन्ग राउंड लेयर, काफ़ी और भी काफ़ी सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं हेयर कट की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत ही सारे हेयर से रिलेटेड, सैलून से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ही सारी वीडियो आने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।